दोस्तों आज गुल्ली बुली और सोन के घर पर जंडू चाचा आए हुए हैं और जंडू चाचा के साथ साथ जंडू चाचा का बेटा भी आया हुआ है और सोन तो कुछ ज्यादा ही खुश है क्योंकि जंडू चाचा बहुत दिनों बाद सोन और गुल्ली बुली से मिलने के लिए आए हैं। सोन बोलता है, जंडू चाचा आप मेरे लिए गाँव से क्या लेकर आए हो। सोन की बात सुनकर जंडू चाचा अपने सर को नीचे झुका लेते हैं। गुल्ली जंडू चाचा को देख कर बोलता है, क्या हुआ जंडू चाचा आप इतने परेशान क्यों है। लगता है कि आप सोन के लिए गाँव से गिफ्ट लाने के लिए भूल गए हैं। जंडू चाचा बोलते, नहीं गुल्ली मैं सोन के लिए गिफ्ट लाने के लिए कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ गुल्ली, मेरी ऐसी खराब किस्मत और अपनी फटी हुई जेब से आखिरकार मैं सोन के लिए क्या ला सकता हूँ। सोन जंडू चाचा की ऐसी बात को सुनकर काफी मायूस हो जाता है। सोन बोलता, जंडू चाचा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे लिए गाँव से यहाँ तक मिलने के लिए आए हैं वही बहुत है। गुल्ली बोलता है, तुम लोग सिर्फ जंडू चाचा से सवाल जवाब ही करोगे या फिर कुछ खाने के लिए इंतजाम भी करोगे, ऐसे भी जंडू चाचा काफी दूर से आए हैं और थक भी गए होंगे। गुल्ली बोलता, हाँ बुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमें जंडू चाचा और छोटू को आराम करने के लिए अंदर भेज देना चाहिए। सोन बोलता, जंडू चाचा आप और छोटू दोनों घर के अंदर जाकर आराम करिए, तब तक मैं और गुल्ली बुल्ली बाजार जाकर कुछ खाने पीने के लिए लेकर आता हूँ। जंडू चाचा बोलते, सोन बेटा मुझे माफ कर देना, मैं अपने गरीबी के कारण तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लेकर आ पाया। सोन बोलता, जंडू चाचा मैंने बोला ना आप यहाँ पर आ गए वही मेरे लिए बहुत है, अब शांति से अंदर जाइए और अंदर जाकर टीवी देखिए। छोटू बोलता है, टीवी क्या होता है, मैंने आज तक टीवी नहीं देखा है। गुल्ली बोलता, हाँ सोन जंडू चाचा और छोटू आज तक टीवी नहीं देखे हैं क्योंकि इनके गांव में बिजली है ही नहीं। गुल्ली बोलता, तो चलिए जंडू चाचा आज मैं आपको टीवी दिखाता हूँ, आपको काफी मजा आएगा। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन जंडू चाचा और छोटू को लेकर घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इन लोगों को शायद पता नहीं है कि इन लोगों पर कोई नजर रखे हुआ है और वो है बॉब द किलर। और बॉब द किलर जब भी घर से निकलता है तो वो बिना किसी को मौत के घाट उतारे वापस घर नहीं जाता, और आज ये तो गुल्ली बुल्ली के घर पर ही नजर रखे हुए है। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि बॉब द किलर गुल्ली बुल्ली में से किसी को तो नहीं मारने वाला। और इधर सोन टीवी चालू करता है और मेक जोक वांटेड के वीडियो को लगा देता है। जंडू चाचा बोलते, वाह ये वीडियो तो काफी अच्छा है। बुल्ली बोलता, हाँ जंडू चाचा ये मेक जोक वांटेड का वीडियो है और मेक जोक वांटेड वीडियो काफी अच्छा बनाता है। सोन बोलता, मुझे भी मेक जोक वांटेड की वीडियो काफी पसंद है, आपको भी काफी अच्छा लगेगा। छोटू बोलता, गुल्ली भैया मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, मैं जब तक मेक जोक वांटेड की वीडियो देख रहा हूँ तब तक तुम लोग मेरे लिए बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आओ। गुल्ली बोलता, ठीक है छोटू हम लोग अभी बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं, तुम लोग आराम से टीवी देखो। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन घर से बाहर निकल जाते हैं। गुल्ली बोलता, बुल्ली जल्दी से गाड़ी निकालो नहीं तो काफी रात हो जाएगी और तुम्हें तो पता ही है कि हमारे यहाँ ज्यादा देर तक दुकान नहीं खुलता, इससे पहले कि बाजार की सारे दुकानें बंद हो जाए हमें जल्दी से बाजार जाकर कुछ लाना चाहिए। सोन बोलता, हाँ गुल्ली टाइम काफी कम है और हमारे घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है, और अगर बाजार की सारे दुकानें बंद हो गए तो हम लोग को आज रात भर भूखे ही रहना होगा। बुल्ली बोलता, रुको गुल्ली मैं अभी जल्दी से गाड़ी निकालता हूँ। और फिर बुल्ली जीप को स्टार्ट करने लगता है, लेकिन जीप तो स्टार्ट हो ही नहीं रही। गुल्ली बोलता, क्या हुआ बुल्ली जीप जल्दी स्टार्ट करो नहीं तो हम लोग काफी देर हो जाएगी। बुल्ली बोलता, गुल्ली मैं जीप को तो काफी देर से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन जीप स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। सोन बोलता, बुल्ली लगता है कि जीप का पेट्रोल खत्म हो चुका है। बुल्ली बोलता, हाँ सोन मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। गुल्ली क्या बोलते हो अब हमें क्या करना चाहिए। गुल्ली बोलता, करना क्या है बुल्ली आज रात भर हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। बुल्ली बोलता, लेकिन गुल्ली हम लोग तो भूखे सो जाएंगे लेकिन जंडू चाचा और छोटू काफी थके हुए हैं और उन दोनों को हम लोग आज रात भर तक भूखे नहीं रख सकते, हमें कुछ जुगाड़ लगाना होगा। गुल्ली बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है बुल्ली अब तुम ही कुछ सोचो। सोन बोलता, इसमें सोचने वाली क्या बात है, हमारे पास स्कूटर तो है ही, हम लोग अपने स्कूटर से ही चलते हैं और मैंने कल ही उसमें 50 रुपए का पेट्रोल डलवाया था। गुल्ली बोलता, हाँ सोन तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं स्कूटर के बारे में तो भूल ही गया था कि मेरे पास एक स्कूटर भी है। बुल्ली बोलता, रुको गुल्ली मैं अभी स्कूटर को लेकर आता हूँ। और फिर बुल्ली स्कूटर को लाने के लिए चला जाता है। स्कूटर तो स्टार्ट हो जाती है और फिर गुल्ली दौड़ कर जाता है और स्कूटर पर बैठ जाता है। सोन बोलता, गुल्ली बुल्ली तुम दोनों तो काफी मोटे मोटे हो, मैं अब बैठूं कहां पर, स्कूटर में तो अब जगह है ही नहीं।
गुल्ली बोलता, सोन मैं तो बोलता हूँ कि तुम यहीं पर रुककर जंडू चाचा की सेवा करो। जंडू चाचा काफी दूर से आए हैं और जंडू चाचा के लिए ये घर बिल्कुल नया है और उन्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम उनकी मदद कर देना। सोन बोलता, नहीं गुल्ली, स्कूटर पे जाने का आइडिया मेरा था, इसलिए मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। बुल्ली बोलता, हमारी बात मान जाओ सोन, स्कूटर में बिल्कुल भी जगह नहीं है और अगर तुम पीछे बैठोगे तो तुम गिर जाओगे। सोन बोलता है, मैं ये सब नहीं जानता, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा, बस तुम लोग हल्का सा आगे सरको, मैं बैठ जाऊंगा। गुल्ली बोलता है, अगर तुम गिरे तो इसमें हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी सोन। सोन बोलता है, मैं वो सब देख लूंगा, बस तुम हल्का सा आगे घसको। और फिर सोन जबरदस्ती स्कूटर के पीछे बैठ जाता है और फिर बुल्ली स्कूटर को लेकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन इधर बॉब द किलर समझ चुका है कि घर में बस दो मेहमान अकेले पड़े हुए हैं और अब बॉब द किलर उन दोनों को मार देगा और ये गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर ही जा रहा है। लेकिन इधर जिसका डर था वही हुआ, सोन चलते चलते स्कूटर पे नीचे गिर जाता है और गुल्ली बुल्ली को भी पता नहीं चलता कि सोन स्कूटर के नीचे गिर चुका है। सोन जैसे तैसे उठता है और गुल्ली बुल्ली को आवाज लगाता है, गुल्ली बुल्ली मैं नीचे गिर गया, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, स्कूटर पे जाने का आइडिया मेरा था। लेकिन गुल्ली बुल्ली तो काफी आगे निकल चुके हैं और फिर सोन लंगड़ाते लंगड़ाते वापस घर लौटने लगता है। सोन बोलता है, गुल्ली बुल्ली ने आज मुझे गिरा दिया और मुझे अब काफी चोट भी लग चुकी है, एक बार उन दोनों को घर आ जाने दो, उसके बाद मैं उन दोनों को बताता हूँ। उन दोनों के कारण आज मेरी कमर की हड्डियाँ टूट गई। और फिर थोड़ी ही देर में सोन अपने घर भी लौट जाता है। चलो छोटू के साथ ही मैं घर पर खेलूंगा। और फिर सोन घर के अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जाने के बाद सोन देखता है कि सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है और जंडू चाचा और छोटू जमीन पर पड़े हुए हैं और उन दोनों में से काफी खून भी बाहर आ रहा है। सोन बोलता, आखिरकार जंडू चाचा और छोटू की ऐसी हाल किसने किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सोन बोलता है, बॉब द किलर आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, और तुमने ही ना जंडू चाचा और छोटू को मारा है, गुल्ली बुल्ली बाजार गए हैं और वो दोनों थोड़ी देर में बस आते ही होंगे, और अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने जंडू चाचा और छोटू को मारा है तो वो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। सोन की बात सुनकर बॉब द किलर हंसने लगता है। और फिर बॉब द किलर सोन पर चाकू से एक पर एक वार करने लगता है। और इधर गुल्ली बुल्ली बाजार पहुंच चुके हैं। बुल्ली बोलता है, सोन जल्दी उतरो, बाजार आ चुका है। गुल्ली थोड़ी देर में एक बार फिर से बोलता है, सोन तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैं कुछ बोल रहा हूँ। और जब गुल्ली पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे सोन नहीं होता। गुल्ली जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरता है और वो बुल्ली से बोलता है, बुल्ली सोन तो पीछे है ही नहीं, लगता है कि सोन रास्ते में ही नीचे गिर गया है। बुल्ली बोलता है, अगर ऐसी बात है तो हमें फिर से उसी रास्ते पर जाकर देखना चाहिए। गुल्ली बोलता, हाँ बुल्ली जल्दी गाड़ी घुमाओ, सोन को काफी चोट लगी होगी। बुल्ली जल्दी से गाड़ी घुमाता है और गुल्ली गाड़ी पर बैठकर सोन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। गुल्ली बोलता है, मैंने सोन को बोला था स्कूटर में जगह नहीं है, तुम घर पर रुक जाओ, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, और देखा मैंने जो सोचा था वही हुआ, वो रास्ते में ही गिर गया। बुल्ली बोलता, गुल्ली सोन तो कहीं दिख ही नहीं रहा, पता नहीं वो कहाँ गिरा है। गुल्ली बोलता, बुल्ली स्कूटर थोड़ा और तेज चलाओ, जरूर सोन घर के आसपास ही गिरा होगा। बुल्ली स्कूटर को थोड़ा और तेज कर देता है। और थोड़ी ही देर में अपने घर के पास पहुंच जाता है। बुल्ली अपने स्कूटर को तुरंत साइड में लगाता है। गुल्ली बोलता, क्या हुआ बुल्ली, तुम्हें सोन दिख गया क्या? बुल्ली बोलता, हाँ गुल्ली वो देखो सामने, बॉब द किलर सोन को घसीट कर कहीं लेकर जा रहा है। गुल्ली बोलता, आखिरकार बॉब द किलर हमारे घर पर क्या कर रहा था, और ये तो इवेलन के साथ दूसरे दुनिया में चला गया था, तो अभी ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और घर पर जंडू चाचा और छोटू का पता नहीं उसने क्या हाल किया होगा। बुल्ली बोलता है, बॉब द किलर ने तो पक्का उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया होगा,
गुल्ली बोलता है, वो देखो बुल्ली, बॉब द किलर शॉन को कहीं गाड़ी से लेकर जा रहा है, हमें उसका पीछा करना चाहिए। बुल्ली बुल्ली बोलता, रुको गुल्ली, अभी मैं बॉब द किलर का पीछा करता हूँ, वो हमारे हाथों से नहीं बचना चाहिए। और फिर बुल्ली बॉब द किलर का पीछा करने लगता है। गुल्ली बोलता है, मैं अभी बाबा को फोन कर बता देता हूँ कि हम लोग सोन को बचाने के लिए शैतान चौराहे के पास जा रहे हैं, आप भी आ जाइए। बुल्ली बोलता, हाँ गुल्ली, जल्दी से बाबा को फोन करो, क्योंकि बाबा के बिना हम लोग इससे नहीं लड़ सकते। गुल्ली बोलता है, लेकिन बाबा तो फोन उठा ही नहीं रहे। गुल्ली बोलता है, जब भी हमें बाबा की जरूरत होती है, पता नहीं क्यों बाबा का फोन लगता ही नहीं है। गुल्ली बोलता है, जरूर बाबा किसी काम में फंसे होंगे, हमारा मिस कॉल देखकर बाबा जरूर कॉल करेंगे, अभी तो हमें बॉब द किलर का पीछा करना होगा। तभी अचानक से स्कूटर का बैलेंस बिगड़ता है और वहीं पर स्कूटर का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट तो काफी जोरदार हुआ है, गुल्ली वहीं पर बेहोश हो जाता है और गुल्ली तो कहीं दिख ही नहीं रहा। लगता है कि गुल्ली इस तालाब के अंदर चला गया है। और जब थोड़ी देर बाद बुल्ली की आंख खुलती है तो वो अपने इधर उधर देखता है, लेकिन गुल्ली यहाँ पर नहीं होता। बुल्ली समझ जाता है, लगता है कि गुल्ली इस तालाब के अंदर चला गया है। बुल्ली उस तालाब के पास जाता है और इधर उधर देखने लगता है। बुल्ली बोलता है, मुझे गुल्ली को आवाज लगानी चाहिए, तभी वो तालाब से बाहर निकलेगा। और फिर बुल्ली जोर जोर से गुल्ली को आवाज लगाता है, गुल्ली गुल्ली मेरे भाई, तुम कहाँ हो, बुल्ली बचाओ। बुल्ली बोलता, आखिरकार गुल्ली इस तालाब के अंदर से कैसे बोल सकता है। गुल्ली बोलता है, ऊपर देखो बुल्ली, इधर उधर मत देखो। बुल्ली ऊपर देखता है तो गुल्ली पेड़ पर लटका होता है। गुल्ली की ऐसी हाल देखकर बुल्ली हंसने लगता है। गुल्ली बोलता, हंसना बंद करो बुल्ली, वरना अगर मैं नीचे आ गया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। बुल्ली बोलता, अच्छा ठीक है गुल्ली, मैं तुम पर नहीं हंसता, जल्दी से नीचे आओ, हमें सोन को बचाने के लिए बॉब द किलर का पीछा करना है। गुल्ली बोलता, लेकिन मैं नीचे आऊं कैसे बुल्ली, अगर इतनी ऊंचाई से मैं नीचे आऊंगा तो मुझे चोट लग जाएगी। बुल्ली बोलता, कुछ भी नहीं होगा गुल्ली, जल्दी से तुम नीचे कूद जाओ। और फिर गुल्ली नीचे आने की थोड़ा कोशिश करता है, जिससे कि गुल्ली नीचे सीधा धड़ाम से गिरता है। बुल्ली गुल्ली को उठाता है। बुल्ली बोलता, गुल्ली तुम्हें चोट तो नहीं लगी। गुल्ली बोलता, ये कैसा सवाल है बुल्ली, अगर मैं इतनी ऊंचाई से नीचे गिरूंगा तो मुझे तो चोट लगेगी ही। बुल्ली बोलता, तो ठीक है अब जल्दी चलो, हमें सोन को बचाना है। और फिर एक बार फिर से बुल्ली स्कूटर को स्टार्ट करता है। बुल्ली बोलता, मेरा मुंह क्या देख रहे हो गुल्ली, जल्दी से आकर स्कूटर पर बैठ जाओ। गुल्ली बोलता, स्कूटर थोड़ा धीरे ही चलाना बुल्ली, तुम्हें तो पता ही अभी थोड़ा देर पहले ही हमारा एक्सीडेंट हुआ है। बुल्ली बोलता, हाँ हाँ मुझे पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और फिर बुल्ली बॉब द किलर का पीछा करने के लिए उसी सड़क से आगे बढ़ जाता है। बुल्ली बोलता, गुल्ली आखिरकार बॉब द किलर सोन को कहाँ ले गया होगा। गुल्ली बोलता है, आगे ही इवेलन का घर है, मुझे लगता है कि सोन को बॉब द किलर इवेलन के घर ले गया होगा। बुल्ली बोलता, लेकिन गुल्ली तुम्हें तो पता ही है इवेलन का घर कितना खतरनाक है, और अगर इवेलन ने हमें देख लिया तो वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। गुल्ली बोलता, हाँ बुल्ली ये तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, रुको मैं अभी बाबा को फिर से कॉल लगाता हूँ। लेकिन गुल्ली के पैकेट में फोन तो है ही नहीं। गुल्ली बोलता, बुल्ली तुम बाबा को अपने फोन से कॉल लगाओ, क्योंकि मेरा मोबाइल एक्सीडेंट के समय ही वहीं पर कहीं गिर गया है। बुल्ली बोलता, लेकिन मैं अपना फोन तो घर पर ही छोड़ दिया हूँ। गुल्ली बोलता, मुझे पता था तुम यही कहोगे, जब भी तुम्हारी जरूरत होती है तब तुम कोई ना कोई बहाना बना लेते हो। बुल्ली बोलता, मैं बहाना नहीं बना रहा, मैं मोबाइल को सच में घर पर छोड़ दिया हूँ। और फिर थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली इवेलन के घर के पास पहुंच जाते हैं। गुल्ली बोलता, बुल्ली तुम स्कूटर को झाड़ियों में छिपा दो, वरना अगर इवेलन को पता चल गया कि हम लोग यहाँ सोन को बचाने के लिए आए हुए हैं तो इवेलन हम लोग को बहुत बेरहमी से मारेगी। गुल्ली बोलता, हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, पिछली बार इवेलन ने मुझे बहुत मारा था। और फिर बुल्ली स्कूटर को झाड़ियों में छिपा देता है। गुल्ली बोलता, अब चलो बुल्ली हम लोग सीधा इवेलन के घर के अंदर चलते हैं। बुल्ली बोलता, वो देखो गुल्ली बॉब द किलर का बाइक भी यहीं पर लगा हुआ है। गुल्ली बोलता, इसका मतलब जरूर सोन इवेलन के घर के अंदर ही है। बुल्ली बोलता, तो हमें जल्दी इवेलन के घर के अंदर चलना होगा, इससे पहले कि देर ना हो जाए। और फिर गुल्ली बुल्ली इवेलन के घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद गुल्ली बुल्ली कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखने के बाद उन दोनों का मुंह फटाका फटा रह जाता है। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि सोन का तो इवेलन हाथ काटने वाली है। ये हाथ
हमको दे दे ठाकुर। नहीं, ये हाथ हमको दे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अरे ये क्या, बुल्ली ने तो इविल नन को एक थप्पड़ मार दिया है और अब इविल नन बुल्ली को छोड़ने वाली नहीं है। गुल्ली बोलता, बुल्ली ये तुमने क्या किया, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी यहाँ से भागो। और फिर बुल्ली इविल नन को धक्का देकर वहाँ से भागने लगता है। Run. लेकिन जैसे ही गुल्ली बुल्ली इविल नन के घर से बाहर निकलते हैं, सामने बॉब द किलर खड़ा होता है। बुल्ली बोलता, गुल्ली अब हमारा क्या होगा, सामने बॉब द किलर खड़ा हुआ है और तुम्हें तो पता ही है बॉब द किलर कितनी बेरहमी से मारता है। गुल्ली बोलता, आगे बॉब द किलर क्या, पीछे इविल नन भी आ चुकी है। गुल्ली बोलता है, तब तो हमारा मरना पक्का है। गुल्ली गुल्ली को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो इधर उधर बॉब द किलर और इविल नन को देखा ही जा रहा है। दोस्तों अब लगता है कि बॉब द किलर और इविल नन गुल्ली बुल्ली को भी मार डालेंगे। तभी वहां पर सॉन की एंट्री हो जाती है। सॉन पीछे से आता है और इविल नन का गर्दन पकड़ लेता है। सॉन बोलता, गुल्ली बुल्ली जल्दी यहाँ से भागो, मैं इसे संभाल लूंगा। तभी इविल नन सॉन को एक जोरदार घूंसा मारती है जिससे कि सॉन सीधे जमीन में जाकर गिरता है। सॉन जोर जोर से गुल्ली बुल्ली को चिल्लाकर बोलता है, बुल्ली बोलता, गुल्ली मैं सॉन को अकेले छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगा, अगर मरेंगे तो साथ में और जिएंगे भी साथ में। गुल्ली बोलता, बुल्ली ज्यादा जज्बाती मत हो, पहले हमें यहाँ से भागना होगा, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि आगे क्या करना है। बुल्ली बोलता, नहीं गुल्ली मैं सॉन को अकेले छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। गुल्ली बोलता, नहीं बुल्ली मेरी बात मान लो, नहीं तो बॉब द किलर हम लोग को मार डालेगा। बुल्ली बोलता, नहीं गुल्ली तुम्हें अगर यहाँ से जाना है तो तुम चले जाओ, लेकिन मैं सॉन को छोड़कर अकेले नहीं जाऊंगा। तभी बॉब द किलर हवा में छलांग लगाता है और बुल्ली का गला धड़ से अलग कर देता है। गुल्ली बुल्ली की ऐसी हाल देखकर काफी घबरा जाता है और फिर वो वहां से भाग जाता है। बॉब द किलर बोलता है, इविल नन देखो हमारा एक शिकार भाग रहा है, हमें इसका पीछा करना होगा। इविल नन बोलती है, भागने दो इसे, देखते हैं कहां तक भागता है। और इधर गुल्ली जंगल की तरफ दौड़ लगा चुका है। गुल्ली बोलता है, उस बॉब द किलर ने मेरे बुल्ली को भी मार डाला और मेरे दोस्त सॉन को भी इविल नन ने कब्जा करके रखी हुई है, मैं अपने दोस्तों की जान कैसे बचाऊं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और बाबा को फोन लगाने के लिए मेरे पास फोन भी नहीं है। तभी भागते भागते बुल्ली एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। गुल्ली बोलता है, अब इविल नन और बॉब द किलर यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, लेकिन वो दोनों मुझे ढूंढ जरूर रहे होंगे। गुल्ली एक बार पेड़ के पीछे से सर निकाल कर इधर उधर देखता है। गुल्ली बोलता है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा, लगता है कि इविल नन और बॉब द किलर मेरा पीछा नहीं कर रहे, लेकिन अब मैं यहाँ से जाऊँ भी कहाँ, अगर मैं इस जंगल से बाहर निकलूंगा तो इविल नन और बॉब द किलर मुझ पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए अच्छा यही होगा कि मैं सुबह होने तक मैं यहीं पर रहूं और सूरज निकलते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। और फिर गुल्ली जैसे ही उस पेड़ के नीचे बैठता है तभी ऊपर से एक तलवार गुजरता है और ये तलवार तो सीधा पेड़ के अंदर जाकर घुस जाता है। अरे ये तलवार आखिरकार किसने फेंका है? अरे ये तो बॉब द किलर है और बॉब द किलर ने ही गुल्ली पर ऐसा जानलेवा हमला किया है। अरे यार मेरा निशाना चूक गया। गुल्ली बॉब द किलर को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। गुल्ली उस पेड़ के पास से उठता है और वहां से एक और फिर से भागने लगता है। बॉब द किलर बोलता है, भागो भागो आज मैं तुम्हें भगा भगा कर मारूंगा। गुल्ली बोलता है, बॉब द किलर तो यहां तक भी आ गया, अब मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। गुल्ली वहां से भाग ही रहा होता है तभी वहां पर सामने इविल नन आकर खड़ी हो जाती है। गुल्ली वहीं पर रुक जाता है और पीछे से बॉब द किलर भी आ चुका है। गुल्ली बोलता है, इविल नन मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुमने तो मेरे दोस्तों को भी मार डाला है और अब मुझे तो यहाँ से जाने दो, तुम्हें आखिरकार मुझे मारकर क्या मिलेगा। इविल नन गुल्ली को ऐसा गिड़गिड़ाता देखकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। इविल नन बोलती है, भूल गई वो दिन जिस दिन तुम लोगों ने मुझे बाबा से पिटवाया था और उस बुड्ढे ने मुझे बहुत बेरहमी से दौड़ा दौड़ा कर मारा था और अब मैं उसी का बदला लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि अब मेरे साथ मेरा बेटा बॉब द किलर है। पीछे से बॉब द किलर भी चिल्लाता है। बॉब द किलर बोलता है, इविल नन जल्दी से भी इसे मारो और सुताओ, हमें आगे बुड्ढे को भी मारना है, इसीलिए ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो,
गुल्ली बोलता, इसका मतलब ये है कि तुम दोनों ने मुझे मारने का प्लान बना लिया है। इवेलन बोलती है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर इवेलन और बॉब द किलर धीरे धीरे गुल्ली की तरफ बढ़ने लगते हैं। और अब लगता है कि गुल्ली का भी आखिरी समय आ चुका है। गुल्ली को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो किधर भागे। तभी अचानक से चमत्कार होता है, रॉड पता नहीं कहां से R15 लेके गुल्ली के पास आ जाता है। रॉड बोलता, गुल्ली अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, अब जल्दी से बाइक पर बैठो नहीं तो ये दोनों तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार डालेंगे। और फिर गुल्ली जल्दी से रॉड के बाइक पर बैठ जाता है और रॉड फिर वहां से निकल जाता है। और इवेलन और बॉब द किलर बस देखते ही रह जाते हैं, साला हाथ से निकल गया। गुल्ली बोलता, रॉड अगर तुम सही समय पे नहीं आते तो आज तो मेरा ऊपर का टिकट कटा हुआ था। रॉड बोलता, हाँ गुल्ली मैं इस जंगल से गुजर रहा था तभी मुझे तुम्हारे चिल्लाने की आवाज आती है तो मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ तक आ गया। और फिर तो तुम्हें पता ही है कि मैंने तुम्हारी जान कैसे बचाई। गुल्ली बोलता, रॉड अब यहाँ से तुम सीधे बाबा के पास लेकर चलो, अब बाबा ही बॉब द किलर और इवेलन को ठिकाने लगाएंगे। रॉड बोलता, तुम इसकी चिंता मत करो, हम लोग बाबा के पास बस 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तभी बाइक अचानक से बंद हो जाती है। गुल्ली बोलता, क्या हुआ रॉड, तुमने बाइक को यहाँ पर अचानक से क्यों रोक दिया, जल्दी यहाँ से चलो नहीं तो इवेलन और बॉब द किलर यहाँ पर आते ही होंगे। रॉड बोलता, लगता है कि मेरे बाइक का पेट्रोल खत्म हो चुका है। गुल्ली बोलता, ये क्या बोल रहे हो रॉड, तुमने पहले से पेट्रोल भरा कर क्यों नहीं रखा और अब तुम्हारे चक्कर में हमारी जान चली जाएगी। रॉड बोलता, इसमें मेरी क्या गलती है और ये जंगल काफी ज्यादा बड़ा है, हम लोग यहाँ से पैदल बाहर नहीं जा पाएंगे। गुल्ली और रॉड बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर किसी की गाड़ी की आवाज आने लगती है। अरे ये क्या, इस गाड़ी में तो इवेलन और बॉब द किलर बैठे हुए हैं और ये तो गुल्ली और रॉड के तरफ ही जा रहे हैं। इवेलन बोलती है, गाड़ी थोड़ा और तेज चलाओ बॉब, वो दोनों निकलने नहीं चाहिए। गुल्ली बोलता, रॉड इवेलन और बॉब द किलर तो इधर ही आ रहे हैं, हमें जल्दी ही कुछ सोचना होगा नहीं तो वो दोनों हम दोनों को मार कर इसी पेड़ पर टांग देंगे। रॉड बोलता, गुल्ली तुम्हारे कारण मैं भी फंस गया, मैंने बेकार में ही तुम्हारी मदद कर दी, कितना अच्छा भला मैं घर जा रहा था। गुल्ली बोलता, रॉड ये सब सोचने का समय नहीं है, हमें जल्दी कुछ सोचना होगा, वो लोग हमारे तरफ ही आ रहे हैं। छोड़ना नहीं है, काट डालेंगा, उलालालाला, सिस्टम फाड़ देंगे। गुल्ली बोलता, रॉड जल्दी कुछ सोचो, वो दोनों हमारे काफी करीब है। रॉड बोलता, करना क्या है, जल्दी यहाँ से भागो और किसी पेड़ के पीछे छिप जाओ। गुल्ली और रॉड वहाँ से भाग कर एक बड़े से पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। रॉड बोलता, गुल्ली कुछ भी हो जाए तुम जरा सा भी आवाज मत करना नहीं तो अगर उन लोगों ने हमारी आवाज सुन ली तो तुम्हें तो पता ही है कि वो लोग हमारा क्या हाल करेंगे। गुल्ली बोलता, रॉड अपना मुंह बंद करो, अभी तो तुम ही आवाज कर रहे हो, देखो वो लोग आ चुके हैं। बॉब द किलर गाड़ी को वहीं पर रोक देता है। इवेलन बोलती है, बॉब द किलर ये तो उन्हीं लोगों की बाइक है, लगता है कि उनका पेट्रोल खत्म हो चुका है और जरूर वो लोग यहीं कहीं पर छिपे हुए होंगे। देखता हूँ वो कहाँ तक छुप सकते हैं, सिस्टम फाड़ देंगे। और फिर बॉब द किलर आगे बढ़कर झाड़ियों में देखने लगता है। गुल्ली बोलता, रॉड अब हम लोग क्या करेंगे, वो लोग तो हमें ही खोज रहे हैं। रॉड बोलता, गुल्ली मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। गुल्ली बोलता, वो क्या रॉड। रॉड बोलता है, हम लोग यहाँ से बिना गाड़ी के यहाँ से नहीं निकल सकते, इसीलिए मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग भी किसी तरह यहाँ से छिपते छिपाते हुए इवेलन के गाड़ी में बैठकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। गुल्ली बोलता, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है रॉड, लेकिन अगर इवेलन ने हमें देख लिया तो फिर अपना अंजाम समझ लेना। रॉड बोलता है, जो होगा देखा जाएगा, पहले तो हमें किसी तरह उसके गाड़ी के पास पहुँचना होगा। गुल्ली बोलता है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है उस गाड़ी के पास पहुंचने का। रॉड बोलता है, जल्दी बताओ गुल्ली, हमारे पास टाइम बहुत ही कम है नहीं तो ये बॉब द किलर हमारे पास ही आ जाएगा। गुल्ली बोलता है, देखो मेरा कमाल। गुल्ली वहां पर पड़ा हुआ पत्थर उठाता है और झाड़ी में फेंक कर मारता है। इवेलन और बॉब द किलर झाड़ी की तरफ देखने लगते हैं। इवेलन जोर जोर से हंसने लगती है। जाओ बॉब और उन दोनों का खेल खत्म कर दो। और फिर बॉब द किलर अपने पीछे से तलवार निकालता है और धीरे धीरे झाड़ी की तरह बढ़ने लगता है। गुल्ली बोलता, रॉड हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा गाड़ी के पास जाने का। रॉड बोलता, हाँ गुल्ली जल्दी यहाँ से भागो। बॉब बोलता, इवेलन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। इवेलन बोलती है, तो आखिरकार वो दोनों गए कहाँ। तभी रॉड गाड़ी को स्टार्ट करता है। इवेलन और बॉब द किलर गाड़ी की तरफ देखने लगते हैं। रोम रोम भाइयों, सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे।
गुल्ली बोलता, रॉड जल्दी से अब उन दोनों पर गाड़ी चढ़ा दो, उन दोनों ने हमें बहुत परेशान किया है। रॉड गुल्ली को देखकर अपना सर हिलाता है, जल्दी वहाँ से हटो, और फिर रॉड गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। इवेलन और बॉब द किलर वहाँ से कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। गुल्ली बोलता है, अब हमें इस जंगल से निकलने से कोई नहीं रोक सकता। रॉड बोलता है, खुश होने की जरूरत नहीं है गुल्ली, ये पूरा जंगल बॉब द किलर और इवेलन का है, वो लोग कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। गुल्ली बोलता है, लेकिन रॉड वो दोनों तो काफी हमसे पीछे हैं। रॉड बोलता है, ये मत सोचो कि वो दोनों हमसे पीछे हैं, उन दोनों की नजर हम पर ही होगी। गुल्ली बोलता है, ये क्या बोल रहे हो रॉड, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, वो दोनों हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकते, तुम ये सब फालतू बातें मत सोचो। तभी रॉड गाड़ी को वहीं पर रोक देता है। गुल्ली बोलता है, क्या हुआ रॉड, जल्दी गाड़ी को आगे बढ़ाओ, तुमने गाड़ी को यहाँ पर क्यों रोक दिया, इवेलन और बॉब द किलर आते ही होंगे। रॉड बोलता, गुल्ली जिसका डर था वही हो गया, देखो किसी ने हमारे सामने एक बहुत बड़ा पेड़ काट कर हमारे रास्ते में रख दिया है। गुल्ली बोलता, आखिरकार ये कौन कर सकता है रॉड। रॉड बोलता है, मुझे तो लगता है कि गुल्ली ये काम इवेलन और बॉब द किलर ही कर सकते हैं। गुल्ली बोलता है, हमें बाहर जाकर इस पेड़ को हटाकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। रॉड बोलता, हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमें बॉब द किलर और इवेलन के आने के पहले इस पेड़ को हटाकर यहाँ से निकलना होगा। और फिर गुल्ली और रॉड गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और उस पेड़ को हटाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। गुल्ली बोलता, रॉड मुझे तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा, जरूर ये पेड़ पहले से ही यहाँ पर होगा। रॉड बोलता है, तुम अपनी बकवास बातें बंद करो गुल्ली, और पहले यहाँ से इस पेड़ को हटाओ। और फिर गुल्ली और रॉड उस टूटे हुए पेड़ को साइड करने लगते हैं। गुल्ली बोलता, रॉड ये पेड़ तो काफी भारी है, हमसे तो ये हिल भी नहीं रहा। रॉड बोलता, गुल्ली थोड़ा और जोर लगाओ, हमें ये पेड़ हटाना ही होगा, नहीं तो इवेलन और बॉब द किलर यहाँ पर आते ही होंगे। इवेलन और बॉब द किलर का नाम सुनकर गुल्ली ये पेड़ को अकेले ही साइड कर देता है। रॉड बोलता, वाह गुल्ली तुमने तो कमाल ही कर दिया, जो पेड़ अभी थोड़ी देर पहले हम दोनों मिलकर नहीं हिला पा रहे थे उसे तुमने अकेले ही साइड कर दिया, आखिरकार इतनी शक्ति तुम में आई कैसे। गुल्ली बोलता, ये तो मुझे भी नहीं पता रॉड कि आखिरकार मुझ में इतनी शक्तियाँ आई कैसे। रॉड बोलता, अच्छा ठीक है ये सब बात छोड़ो गुल्ली, तुमने ये पेड़ तो हटा दिया, अब हम लोग को यहाँ से सीधे बाबा लंगोटी लाल के पास जाना होगा। गुल्ली बोलता, हाँ रॉड अब बाबा लंगोटी लाल ही हमारी मदद कर सकते हैं, अब चलो जल्दी से हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर गुल्ली और रॉड एक बार फिर से गाड़ी में बैठ जाते हैं। गुल्ली बोलता, रॉड अब बिना किसी देरी किए हुए गाड़ी को स्टार्ट करो। गुल्ली की बात सुनकर रॉड अपना सर हिलाता है और फिर गाड़ी को वो स्टार्ट करता है। रॉड बोलता, गुल्ली गाड़ी तो आगे बढ़ी नहीं रही। गुल्ली बोलता, ये क्या बोल रहे हो रॉड। रॉड बोलता है, जैसे लग रहा है कि कोई हमारी गाड़ी को पीछे खींच रहा है। गुल्ली खिड़की से अपना सर बाहर निकालकर पीछे देखता है। गुल्ली बोलता, रॉड बॉब द किलर तो हमारी गाड़ी को पीछे से उठा रहा है, अब हम लोग क्या करें, और इवेलन और बॉब द किलर तो काफी गुस्से में भी लग रहे हैं। रॉड बोलता, गुल्ली इसका मतलब है कि इवेलन और बॉब द किलर तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इधर इवेलन बॉब द किलर से बोलती है, बॉब गाड़ी को उलट दो, वो दोनों हमारे हाथों से बचकर नहीं जाने चाहिए। बॉब द किलर इवेलन की तरफ देखता है और अपना सर हिलाता है, और फिर बॉब द किलर गाड़ी को उलट देता है। गुल्ली और रॉड को तो काफी चोट लगी होगी क्योंकि गाड़ी तो पूरी पलट चुकी है। इवेलन गुल्ली बुल्ली की ऐसी हाल देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। बॉब द किलर बोलता, हंसना बंद करो इवेलन, पहले हमें उन दोनों को पूरी तरीके से खत्म करना होगा। और फिर इवेलन और बॉब द किलर उन दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इधर बाबा को ध्यान लगाकर सारी बातें पता चल चुकी है कि गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड बहुत बड़े खतरे में पड़े हुए हैं। और फिर बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। बाबा बोलते हैं, अब मुझे उन लोगों को बचाने के लिए जाना ही होगा, वरना इवेलन और बॉब द किलर उन लोगों को कच्चा चबा जाएंगे। बाबा उठकर खड़े होते हैं और अपनी जादुई छड़ी ले लेते हैं। ले चलो मुझे गुल्ली बुल्ली के पास, और वो छड़ी बाबा को उड़ाकर वहां से गुल्ली बुल्ली के पास लेकर जाने लगती है। और इधर गुल्ली और रॉड गाड़ी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। इवेलन बोलती है, ये देखो ये दोनों मरने के लिए कितने बेताब है, खुद पर खुद गाड़ी से बाहर आ रहे हैं। बाहर आओ अब तुमको कोई नहीं बचाएगा। और इधर बाबा उड़कर इवेलन के घर के पास पहुंच चुके हैं।
बाबा ऊपर से देखते हैं कि सोन नीचे बेहोश पड़ा है और बुल्ली का सर धड़ से अलग है। बाबा बोलते हैं, लगता है कि मुझे यहाँ पहुँचने में थोड़ा देर हो चुका है। बाबा झट से नीचे आते हैं। बाबा अपनी शक्तियों से बुल्ली को जिंदा कर देते हैं। बुल्ली उठकर खड़ा होता है और वो बाबा के पास जाता है। बुल्ली बोलता, बाबा अपने आने में यहाँ काफी देर कर दी, पता नहीं इवेलन और बॉब द किलर मेरे बाकी दोस्तों का क्या कर रहे होंगे, और यहाँ पर तो सोन भी बेहोश है। बुल्ली जाता है और सोन को उठाने की कोशिश करने लगता है। सोन उठो, अपनी आंखें खोलो। सोन को होश आ जाता है। बुल्ली बोलता है, सोन तुम ठीक तो हो? सोन बोलता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बुल्ली, लेकिन आखिरकार गुल्ली कहाँ गया? बुल्ली बोलता है, सोन तुम गुल्ली की चिंता मत करो, देखो यहाँ पर बाबा भी आ चुके हैं और अब बाबा इवेलन और बॉब द किलर को छोड़ेंगे नहीं। बाबा बोलते, हाँ सोन अब तुम चिंता मत करो, मैं आ चुका हूँ, अब देखो मैं उन दोनों का क्या हल करता हूँ। अब हमें जल्दी से इवेलन और बॉब द किलर के पास पहुँचना होगा, हमें गुल्ली पर खतरे की आभास हो रही है। बुल्ली बोलता, लेकिन बाबा हम लोग गुल्ली को बचाने के लिए जाएंगे कैसे? हमारे पास तो कोई भी गाड़ी मोटर नहीं है। बुल्ली की बात सुनकर बाबा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। बाबा अपनी छड़ी को हवा में उठाते हैं और कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। सोन बोलता है, बुल्ली लगता है कि बाबा अपनी शक्तियों से यहाँ पर हवाई जहाज लाने वाले हैं। बुल्ली बोलता, हाँ सोन मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, और मैंने काफी दिनों से हवाई जहाज का सफर नहीं किया है। Oh, no. अरे ये क्या, यहाँ पर तो बाबा ही हवाई जहाज बन चुके हैं। बाबा बोलते हैं, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, अब जल्दी से मुझ पर बैठ जाओ। और फिर बुल्ली और सोन बाबा पर बैठ जाते हैं और बाबा अपनी फुल स्पीड में गुल्ली के पास जाने लगते हैं। सोन बोलता है, बाबा थोड़ा धीरे चलिए, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। बाबा बोलते हैं, सोन तुम अपना मुंह बंद करो, हम लोग बस थोड़ी ही देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। और इधर इवेलन और बॉब द किलर तो गुल्ली और रॉड की काफी सुटाई कर रहे हैं। किस मिट्टी के बने हो तुम, तुम्हें डर नहीं होता? जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। रुको जरा, सबर करो। अच्छा। रॉड बोलता है, इवेलन हम पर इतना जुल्म मत करो, तुम्हें तो पता ही है अगर बाबा यहाँ पर आ गए तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। इवेलन बोलती है, उस बुड्ढे का मेरे सामने नाम भी मत लो, पिछली बार उस बुड्ढे ने मुझे बहुत मारा था और इस बार वो बुढ़ा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इस बार मेरे साथ मेरा बेटा बॉब द किलर है। बॉब बोलता है, आने दो उस बुढ़े को, अगर वो मेरे सामने आ गया तो मेरे इन हाथों से वो बच नहीं सकता। रॉड बोलता है, बॉब द किलर तुम इतना ज्यादा हवा में उड़ो मत, अगर बाबा यहाँ पर आ गए तो वो तुम्हारी पैंट गीली कर देंगे। बॉब बोलता है, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन किसकी पैंट गीली करता है। और अब बाबा भी आ चुके हैं। बाबा ऊपर से देखते हैं कि इवेलन और बॉब द किलर गुल्ली और रॉड पर जुल्म कर रहे हैं। ये देखकर बाबा का खून खोल जाता है और फिर बाबा तुरंत नीचे आते हैं। और बुल्ली और सोन को नीचे उतारने के बाद बाबा इवेलन को पागल कुत्ते की तरह मारने लगते हैं। और इधर सोन और बुल्ली भी बॉब द किलर को पीछे जाकर पकड़ लेता है। सोन बोलता है, रॉड और गुल्ली जल्दी से तुम लोग अपनी अपनी रस्सियां तोड़ो और बॉब को पकड़ने में हमारी मदद करो, क्योंकि हम दोनों बॉब को अकेले नहीं संभाल पाएंगे। और फिर रॉड और गुल्ली भी अपनी अपनी रस्सियां तोड़ते हैं और बॉब को पकड़ने में मदद करते हैं। लेकिन इधर तो बाबा रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, वो तो इवेलन को पागल कुत्ते की तरह खदेड़ खदेड़ कर मार रहे हैं। बचाओ बचाओ, इस बुड्ढे से बचाओ। और फिर बाबा इवेलन के मुंडी को उल्टा कर देते हैं। ये देखकर तो बाबा भी डर जाते हैं। इवेलन उठती है और वहां से जंगलों में भाग जाती है। बुल्ली बोलता है, बाबा आपने तो इवेलन को अच्छा सबक सिखाया, अब इसकी बारी। बाबा बोलते हैं, इसके लिए तो मैंने कुछ अलग सोचा है। बाबा तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और ये देखकर सारे लोग समझ जाते हैं कि अब बाबा बॉब द किलर का क्या हल करने वाले हैं। सोन बोलता है, जल्दी बाबा नहीं तो ये यहाँ से भाग जाएगा। और फिर बाबा स्मैक लगा देते हैं। और यहीं पर बॉब द किलर का भी गेम ओवर हो जाता है।
तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यही कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।